नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खरीदी करने के लिए बच्चों को लेकर सराफा पहुंची दो महिलाओं ने एक ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए। दोनों महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। सराफा पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। छोटा सराफा में मोहनलाल सोनी की आभूषणों की दुकान है। उनकी दुकान में दो महिलाएं बच्चों को लेकर पहुंची थी। इस दौरान महिलाओं ने दुकान संचालक से सोने के टॉप्स दिखाने को कहा, तभी मौका पाकर महिलाओं ने टॉप्स से भरा हुआ डिब्बा चुरा लिया। दुकान संचालक से देर तक आभूषण देखने के लिए बाद महिलाएं चली गईं। जब दुकान का स्टॉक चेक किया गया तो पता चला कि टॉप से भरा एक डिब्बा गायब है। दुकान संचालक ने आसपास के दुकानों से सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं, जिनमें दोनों महिलाएं बाजार में आते जाते दिख रही हैं। सराफा पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। ये सराफे में मोहनलाल सोनी जी की एक ज्वेलर्स की दुकान है और इनकी दुकान में दो महिलाएं जो बच्चों के साथ गई थी और उसके बाद उन्होंने टॉप्स दिखाने के लिए बोले और टॉप्स दिखाने के बाद देखा मोहनलाल सोनी जी ने तो उनके यहाँ जो टॉप्स थे वो टॉप्स गायब थे। टॉप्स का डब्बा लेकर ये जो आभूषण है उनको लेकर ये दो महिलाएं चली गई। ये सीसीटीवी फुटेज में दो महिलाएं दिखाई दे रही हैं, संभवतः उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई है। फिलहाल इसमें थाना सराफा में चोरी का प्रकरण दर्ज किया जाकर इन्वेस्टिगेशन किया गया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।